नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। बता दें कि जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में अनंत सिंह पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। उन्हें रिमांड पर लिया गया, उनसे पूछताछ करने की जो बात है वो कही जा रही है। ऐसे में बता दें कि बेउर जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है, जहाँ दो सेवेदार रखने की बात कही गई थी। तो वहीं अनंत सिंह ने अपने पास 9 सेवेदार को रखा हुआ था। खास करके उनके बैग से मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिसके बाद जो जेल प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। ऐसे में आपको बताएं कि इस लापरवाही के बाद कहा यह जा रहा था कि अनंत सिंह को बेउर जेल से निकालकर भागलपुर की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि अब भागलपुर जेल में शिफ्ट करने का जो कारवा है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त जो अपडेट सामने आई है उसमें 10 कैदियों को बेउर जेल से निकालकर अब भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और अब बारी है अनंत सिंह की। ऐसे में और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, किस तरह से जेल प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, अनंत सिंह की मुश्किलें किस प्रकार और बढ़ जाएगी, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि पटना के बेउर जेल में पिछले दिनों डीएम चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में पड़े छापे का असर लगातार दिख रहा है। इस छापेमारी में राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पास 2 की बजाय 9 सेवेदार मिले थे। उनके पास मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट और एक मोबाइल फोन भी मिला। इस मामले में प्राथमिकी तो दर्ज की गई, साथ ही जेल में तैनात कई कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इसके बाद ही जेल में बंद कुछ बंदियों को भागलपुर भेजे जाने की चर्चा शुरू हो गई। इस सिलसिले में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि बेउर जेल में बंद कुख्यात मनिक उर्फ बाबू सहित 10 कैदियों को भागलपुर जेल भेज दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से इन कैदियों को पटना से भागलपुर भेजा गया है। हालांकि अनंत सिंह अभी भी बेउर जेल में बंद है। सेल से मोबाइल इत्यादि मिलने पर अनंत सिंह को भी अन्य जेल में भेजे जाने की चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी की वजह से फिलहाल उनके नाम का निर्णय नहीं हुआ है। जेलर ने बताया है कि मानिक उर्फ बाबू, विकास कुमार गुलाब उर्फ अमितेश कुमार, चंदन कुमार उर्फ रवि रंजन और पैजल नियाजी को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर भेजा गया है। इसके साथ ही जितने भी अन्य कैदी हैं उन सभी को भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि रेलवे पुलिस ने पटना जंक्शन पर शराब की एक खेप बरामद की। तो बता दें कि 10 कैदियों को बेउर जेल से निकालकर भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और चूंकि अनंत सिंह की पेशी कोर्ट में होनी है, इसको लेकर अभी अनंत सिंह को बेउर जेल में ही रखा गया है। कोर्ट में पेशी होने के बाद उनके नाम पर मोहर लग जाएगा और ये तय हो जाएगा कि अनंत सिंह को भागलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए या नहीं। बता दें कि जिस तरह से अनंत सिंह के पास से मोबाइल फोन मिले, नंबरों की लिस्ट मिली, खास करके जो कॉल रिकॉर्ड से वो खंगाले गए, किन किन लोगों के साथ अनंत सिंह संपर्क में थे, इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो हासिल की गई है। ऐसे में कई बड़े जो कारनामे हैं वो भी सामने आए। बता दें कि जो सिम कार्ड अनंत सिंह यूज कर रहे हैं वो पटना के पुनाईचक में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के नाम पर है। वहीं और साथ ही साथ जो कॉल रिकॉर्ड्स निकले हैं उसमें अनंत सिंह बिहार से बाहर भी लोगों के साथ संपर्क में थे और यही वजह है कि अनंत सिंह को भागलपुर जेल में शिफ्ट किए जाने की जो बात है वो कही जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आखिर आगे कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी कब होती है और कब उन्हें भागलपुर जेल में शिफ्ट किया जाता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।